हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मानव प्रायर। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 7.2 का एक नया मोड अवेलेबल हुआ है एक डेवलपर की तरफ से, जिसका नाम है URNYX05। GCam 7.2 URNYX05 version 1.9 का मोड एपिक अवेलेबल हुआ है GCam 7.2 का। और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों इस एपीके को आप मोस्टली सभी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके भी अंदर एंड्रॉइड 9 आपको मिलेगा। कैमरा टू एपीआई एनेबल होना चाहिए, विदाउट रूट काम करेगा, रूट की भी कोई जरूरत नहीं है। सो कैमरा के यूजर इंटरफेस दोस्तों कुछ इस तरह से आपको मिलता है, सिंपल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको दोस्तों मल्टीपल कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल कैमरा है तो दोस्तों आप उसको भी यूज कर पाओगे अपने डिवाइस के अंदर, कोई भी झंझट की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा के अंदर HDR का ऑप्शन मिलता है, HDR प्लस, HDR इनहांस मोड मिलता है, टाइमर मिलता है, फ्लैश मिलता है, रेट्रो मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ आपको यहाँ पर एस्ट्रो फोटोलॉजी मोड भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है दोस्तों। मैंने रात के टाइम ट्राई किया है, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। सो एस्ट्रो फोटोलॉजी मोड के साथ आप स्टार्स की फोटो को भी क्लिक कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड फ्रंट बैक दोनों के अंदर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको फेस रिटचिंग मिलते हैं, HDR एनहांसमेंट मिलते हैं, टाइमर मिलते हैं। आपके सामने एक पिक्चर को क्लिक करके दिखाता हूँ लाइव। यहाँ पर आपको दोस्तों क्विक शेयर भी मिल जाती है, आप डायरेक्टली गूगल कैमरा से फोटोज को शेयर भी कर पाओगे। और जैसे देख पा रहे हो दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड कुछ इस तरह से काम करता है। पोर्ट्रेट मोड बहुत ही बेहतरीन काम करता है दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, 60 FPS और 30 FPS का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है ये जो कैमरा एपीके है दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट तो करता है, बट 60 FPS का ऑप्शन इस कैमरा एपीके के अंदर नहीं दिया गया है इस मोड के अंदर। उसके बाद दोस्तों मोड के अंदर आपको पैरानोमा, फोटोस्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, गूगल का प्लेग्राउंड का सपोर्ट मिलता है। जो गूगल प्लेग्राउंड है दोस्तों वॉकिंग कंडीशन के अंदर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से यूज कर सकते हो अपने गूगल प्लेग्राउंड को इस पर्टिकुलर GCam के अंदर। पर यहाँ पर सैड जो है दोस्तों, जो गूगल का स्लो मोशन है दोस्तों काम नहीं कर रहा है इस एपीके के अंदर, इस मोड के अंदर, जो कि नॉर्मल बात है। बहुत सारे डिवाइस के अंदर दोस्तों स्लो मोशन काम नहीं करता है, इसलिए आप दोस्तों जो स्टॉक कैमरा है उसे यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों टाइम लैप्स काम करती है, टाइम लैप्स के अंदर कोई भी परेशान की बात नहीं है। उसके बाद जो पैरानोमा फोटोस्फेयर है वो तो काम करता ही करता है। सो इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ मैंने कुछ पिक्चर को क्लिक किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सो जैसे देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका जो HDR डायनामिक है दोस्तों, जो डायनामिक रेंज है, जो कलर है, जो शार्पनेस है दोस्तों, ओवरऑल जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन काम करता है, स्पेशली इन डे लाइट। अगर आप रात के टाइम दोस्तों इस कैमरा एप्लीकेशन की यूज करोगे दोस्तों, कुछ कुछ टाइम आपको फोर्स क्लोज भी दिखाई दे सकता है। और मैंने इसको ट्राई किया है, मैंने पोको F1 के अंदर MIUI 11 के साथ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। पोको F1 के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, Realme 5 के अंदर भी काम कर रहा है। सो Android 9 इंस्टॉल होना चाहिए, Android 10 के ऊपर काम करेगा, Camera 2 API एनेबल होना चाहिए, और MIUI 11 के अंदर काम करता है, MIUI 10 के अंदर ऑफकोर्स काम करेगा, रियलमी ओएस और जो कलर ओएस है उसके अंदर भी काम कर रहा है। सो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जरूर से इसे ट्राई करके देख सकते हो। इस कैमरा एपीके का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कैमरा की सेटिंग्स के अंदर। पहले आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों कैमरा साउंड का ऑप्शन मिलता है, फ्रेम इंटिंग मिलते हैं, सेफ सेल्फी सब एस वीवो मिलते हैं, सोशल शेयर मिलती है, आप डायरेक्टली गूगल कैमरा से अपने IMO मैसेंजर व्हाट्सएप के अंदर फोटोज को शेयर कर पाओगे। उसके बाद आपको गेस्चर्स मिलता है, एडवांस के अंदर आपको मिलता है HDR कंट्रोल, उसके बाद रॉ इमेज का सपोर्ट आपको मिलता है, स्टोर वीडियो इफेक्टिवली मिलता है, लैप मीचर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इनेबल एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड। पोर्ट्रेट मोड के अंदर जूम को आप डिसेबल कर पाओगे। ऑक्सिलरी कैमरा मतलब मल्टीपल कैमरा का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैमरा एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, आप बैक कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 4K टाइम लैप्स भी ले पाओगे, जैसे देख पा रहे हो वीडियो स्टेबलाइजेशन की भी मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ कैमरा की इन्फो के बारे में, सो जैसे देख पा रहे हो ये जो डेवलपर है दोस्तों URNYX05 फाइनली इस डेवलपर की तरफ से GCam 7.2 का 2020 के अंदर नया मोड हमारे पास आ गया है। सो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते रहूँ इस कैमरा एप्लीकेशन का, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, तो आपके डिवाइस के अंदर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।